ये जो व्लॉग आप देखने वाले हो ना, मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी बोला है कि ये जो व्लॉग है ये है आपका चोर गलिया के जंगल का व्लॉग। बेसिकली ये एक रेंज है चोर गलिया जो नंदोरा रेंज से लगती हुई है। जिम कॉर्बेट से माइग्रेट करके टाइगर यहाँ पे आ जाते हैं, पीलीभीत से भी आ जाते हैं, मतलब पूरे ट्रायार्क जो है ना, ट्रायार्क सबसे फेमस जो है टाइगर हैबिटेट के लिए, उसका ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा है। यहाँ पे क्या 12-15 किलोमीटर की एक रोड है जो कि रेगुलर बेस पे लोग यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी ज्यादा टाइगर साइटिंग होती है ना जितनी सफारी में भी नहीं हो पाती है। लोगों को आते जाते टाइगर क्रॉस करते हुए दिख जाता है। तो ये वो रेंज है, तो नाइट में हमने ये रेंज कवर की है, तो इंजॉय करना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना तभी आपको मजा आएगा। और सीरियसली मतलब जंगल को फील करना, क्या जंगल है यार ये। अगर आप, मैं बात करूँ ना मेरे फेवरेट जंगल्स में से, मतलब आता है कि ये मतलब फेवरेट की लिस्ट में मतलब है मेरी, ये दिन में आप देख लोगे ना आप पागल हो जाओगे, आप कहोगे कि जंगल बहुत बहुत बड़ा और विशाल जंगल। तो वीडियो को एंजॉय करो। चोर के लिए स्टार्ट हो चुका है गाइस, और देखते हैं कि क्या वाइल्ड लाइफ हमें देखने को मिलती है। ट्रस्ट मी गाइस, बेस्ट जंगल है भाई ये, बेस्ट जंगल। मैंने बहुत सारे जंगल देखे हैं, लेकिन है ना आप इसको दिन में देखोगे ना भाई, मतलब ये रेंज ही अलग है यार। मजा आ जाएगा आपको देख के। गाड़ियां फिलहाल चल रही हैं इस पे भी, लेकिन फिर भी यहाँ पर तो दोपहर में भी वाइल्ड लाइफ अगर देखने को मिल जाती है तो अभी तो खैर फिर भी राहत हो रखी है। जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियोस में बताया था कि मैंने अगर सबसे बड़ा कोई टाइगर देखा था ना तो वो यही रोड क्रॉस कर रहा था रात को, और इस टाइम नहीं, मैंने तो उसको शाम को ही देखा था जब भीड़ थी पूरी, पूरा ट्रैफिक रुक गया था, आधे बंदे उधर रह गए थे, आधे बंदे इधर रह गए थे। 4-5 बजे का टाइम होगा कोई, और अगर कोई सबसे बड़ा मैंने हिरन देखा था बारासिंगा, वो भी यहीं देखा था। मतलब मेरे को लगा था कि सीरियसली इतने बड़े बड़े भी होते हैं क्या ये, हैं? वो बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। अभी क्या है ना, नीचे दोनों साइड ना ये वाला जंगल नीचे हल्का हल्का डाउन है, तो जो भी चीज इसको क्रॉस करेगी वो एक बार ऊपर आती है फिर नीचे जाती है, ऐसे है इसका सीन। लेकिन गाइस मैं फिर से यही कहूँगा भाई, जंगल फील करो आप। अभी तो खैर ट्रैफिक चल रहा है, थोड़ा बहुत चल रहा है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत गाड़ियाँ हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे वाइल्ड लाइफ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत मज़ेदार तरीके से। क्योंकि क्या होगा, यहाँ पर जो भी होगा ना वो आपको क्रॉस करता हुआ दिखेगा इस रोड को, तो चांसेस आपके बढ़ जाते हैं कि आपको वो बिल्कुल खुले में रोड के ऊपर देखने को दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ पे लेपर्ड के चांसेस वैसे कम है, दिख सकता है लेपर्ड बड़ा अगर दिखेगा तो, लेकिन यहाँ पे लेपर्ड के चांसेस थोड़े से कम है क्योंकि अभी टाइगर की रेंज है प्रॉपर। इधर से जंगल जितना जितना डीप होता रहेगा ना तो टाइगर के चांसेस बढ़ जाएंगे। आधी रोड पर ना है इसलिए साइड से थोड़ा सा ये जंगल ऊँचा है, मतलब जंगल जो है वो दोनों साइड है और वो नीचे को है थोड़ा, ये रोड बीच में ऊंची बनाई हुई है ताकि हाथी ना आए रोड के ऊपर, लेकिन फिर भी आ जाता भाई हाथी है वो। कई चीजें ऐसी है ना हाथी के बारे में भी कि वो पता नहीं कैसे कैसे कहां कहां। अब देखो ये जो है ना, ये जो ये नाला है, ये गाइस बेसिकली एक नाला है, देख लो आप, आपने मेरी हॉन्टेड वीडियोस में देखा होगा इसको, लेकिन हॉन्टेड वीडियो में मैं जिस टाइम यहाँ पे आता हूँ ना वो टाइम पे तो भूल ही जाओ आप, मैं एग्जैक्ट 12 बजे आता हूँ इधर की साइड, उस टाइम आपको एक भी गाड़ी नहीं दिखेगी ऐसे रोड पे। आपने मेरी हॉन्टेड वीडियोस में भी देखा होगा ना, वो देखा होगा पीछे जो मंदिर था वो इसलिए बनाया गया है भाई, यहाँ पर लोगों को बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस होते थे, लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे सिर्फ हम वाइल्ड लाइफ की।
यहाँ से शुरू हो जाता है मेन, टाइगर बहुत देखे जाते हैं इधर की साइड रोड क्रॉस करते हुए बहुत बार, कई सारे टाइगर की टेरिटरी है आसपास और बहुत हष्ट पुष्ट जंगल है भाई, दोनों साइड पानी है सब कुछ है यहाँ पर, तो हष्ट पुष्ट जंगल है, रोड पे दिख जाता है। अब ये रोड है ना ऐसी सीधी इतनी ज़्यादा है ना कि टाइगर अगर हम वहाँ पर पहुँच गए टाइगर खड़ा हुआ तो वो खड़ा रहेगा, फिर तो वो आराम आराम से स्लो स्लो पार करेगा। और ये होप्स हो भाई, मैंने तो इतने भरे ट्रैफिक में भी यहाँ पे टाइगर्स देखे हैं, टाइगर बहुत है इस रेंज में, बहुत है। कॉर्बेट से पीलीभीत से माइग्रेट करके ना टाइगर इसी रेंज में आते हैं, क्योंकि इस रेंज में इंसानी हलचल बहुत कम है, कोई सफारी नहीं चलती, कोई कुछ नहीं चलती, सबसे बड़ा जंगल है ये, तो टाइगर बहुत है इधर की साइड बहुत ज़्यादा। और रोड पे है ना, रोड फेवरेट जगह होती है टाइगर की, मैं आपको बताऊँ ना, सर्दियों में, सर्दियों में आपको रोड पे वॉक करता हुआ बहुत ज़्यादा दिखेगा, बहुत ज़्यादा फेवरेट होती है उसकी, बिकॉज रोड पे थोड़ी सी हल्की सी गर्माहट होती है अकॉर्डिंग टू जंगल। और गर्मियों में वो इतना रोड पे आना पसंद नहीं करता, गर्मियों में जंगल में रहेगा, तो अभी तो मौसम ही थोड़ा सा कन्फ्यूज है ना, सर्दी है ना गर्मी है। ये देखो ये नीचे पैच जा रहा है ना कि ये टाइगर क्रॉसिंग यहाँ से कर देता है, बहुत बार देखा गया टाइगर को क्रॉस करते हुए इधर से, ये जो पैचेस हैं ये जो नीचे हल्के हल्के मूवमेंट के लिए बनाए गए हैं बहुत बार देखा गया इधर डेड साइड टाइगर को। और मैंने भी जो देखा था टाइगर वो इस वाले पैच पे देखा था, इस वाले पैच पे यहाँ पे, ये हल्का सा रपटा है जहाँ से बरसाती नाला बहता है, यहाँ पे मैंने टाइगर को देखा था। और आप बोर्ड भी देखोगे ना तो यहीं पर बोर्ड लगा हुआ है टाइगर का, ये टाइगर की फोटो के साथ भाई, कि यहाँ से टाइगर क्रॉस कर सकता है रोड। अब क्या साइड में अपने को दिख नहीं रहा जंगल के, अगर वो साइड में भी बैठा हुआ होगा ना तो भी आपको दिखेगा नहीं, वहाँ ही रहे वो इस चीज़ में, तभी रोड पर आएगा जब रोड थोड़ी सी खाली हो जाएगी, उससे पहले वो रोड पर आएगा नहीं। बहुत शाना है भाई, बता तो रहा हूँ मैं आपको, बहुत तेज है। नहीं भाई ये वाली भी जंगल सफारी शायद अपनी सक्सेस नहीं हो पाई, लेकिन गाइस टेंशन ना लो, इस वाली सीरीज में ना, इस वाली जो जंगल में आया हूँ मैं इस बार, कम से कम 7 से 8 जंगल्स नाइट ड्राइव है मेरी, तो चांसेस हैं कि अपने को वाइल्ड लाइफ दिखेगी, परेशान ना होना। आज शायद टाइमिंग ठीक नहीं है हमारी, क्योंकि मैं इन रेंज में जब भी आया हूँ ना मैं लेट नाइट ही आया हूँ, और अभी मैं जल्दी हूँ, अभी वो प्रॉपर टाइम नहीं हुआ, मुझे भी फिलहाल यही लग रहा है कि अभी वो प्रॉपर टाइम नहीं हुआ, होगी भी तो साइडों में होगी भाई, वो आपको इतनी ज़्यादा तो दिखेगी नहीं, जब तक वो रोड पे नहीं आएगा तब तक तो आपको दिखने से रहा। उठ गया भाई, अब देखो साइज का कितना बड़ा है भाई साहब।